पंजाब के श्री नवोदय टाइम्स। और आज के हमारे खास मेहमान इतने खास हैं ना कि आप जब से उन्हें टीवी पर देखते हैं तब से ही उनको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। टीवी के दी ओजी चॉकलेटी बॉय, वेरी हैंडसम, वेरी टैलेंटेड करण सिंह ग्रोवर, जिन्होंने अपना डैशिंग कमबैक किया है बड़ी स्क्रीन पर फाइटर के जरिए, सरताज एक ए ताज। वेलकम टू पंजाब के श्री नवोदय टाइम्स करण, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच. मैं बहुत अच्छा. थैंक यू फॉर सच लवली इंट्रोडक्शन. बहुत ही सुनकर बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके भी, क्योंकि इतने टाइम से आपको देख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आपको मनी मनी कंग्रेचुलेशंस, कैसा लग रहा है इतना सारा प्यार जो आपको मिल रहा बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड फीलिंग वेरी ग्रेटफुल दैट सब लोगों को अच्छी लगी फिल्म और मेरा कैरेक्टर अच्छा लगा. एंड आई एम वेरी हैप्पी ऑन दैट इतना सारा लोग प्यार दे रहे हैं नॉन स्टॉप, विच इज फीलिंग वेरी वेरी गुड. थैंक यू. है? अच्छा, सरताज का जो सरताज गिल का करेक्टर है वो आप तक कैसे पहुंचा, या आप करेक्टर तक कैसे पहुंचे? मैं मेरे पास तो वो आया था ममता आनंद जो है सरताज वाइफ, इनकी कंपनी है मार्फ्लिक्स, प्रोड्यूसर हूँ. तो उन्होंने मुझे फोन किया था 24 फेब 2022 को, और मुझे कहा था कि हमारी एक फिल्म है जो हम लोग कर रहे हैं और उसमें एक रोल है, हम चाहते हैं कि आप प्ले करें. तो बिना स्क्रिप्ट सुने, बिना रोल सुने मैंने बोला हाँ चलो बताओ किधर है, कभी कितने बजे पहुंचना है, कितने बजे शूटिंग है, क्या है. तो एक बार स्क्रिप्ट सुन लो एंड कैरेक्टर सुन लो, देन ऑब्वियसली जब मैंने कैरेक्टर सुना और फिल्म सुनी आई फेल इन लव विद इट. फिर उन्होंने मुझे बताया कि कौन कौन है फिल्म में, तो डायरेक्टिंग इट, मैंने मतलब कुछ तो मस्त किया है मैंने अपने लाइफ में जो ये गॉड ने मेरे को गिफ्ट दिया है. तो आई फेल्ट वेरी वेरी गुड. और मैं कैरेक्टर तक पहुंचने में मुझे काफी टाइम लग गया. मतलब इन द सेंस जब से मुझे बताया गया तब से लेके मेरी प्रेपरेशन शुरू हुई टिल द टाइम आई स्टार्टेड प्लेइंग. अच्छा, इसकी तो स्टार कास्ट भी बहुत ज्यादा, मतलब पूरी स्टार कास्ट में आप लोग बहुत अमेजिंग शानदार, बहुत। तो शूटिंग है. एक्सपीरियंस कैसा रहा था? बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस था. मतलब इतने सारे इतने टैलेंटेड इतने प्रेशियस लोग एक साथ जब काम करते हैं तो आई थिंक पूरा जो जगह का वाइब्रेशन है वो चेंज हो जाता है. और स्पेशली हम तेजपुर में जब हमारी शूटिंग शुरू हुई तो हम लोग एयरफोर्स बेस पे थे, एक्चुअल इंडियन एयरफोर्स बेस पे तेजपुर पे, और वहां पे वो एक्चुअल रियल सुकॉय और एएलएफ और सब शानदार गॉड गिवन इक्विपमेंट ऐसे वहां था. एंड मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कितना खुश नसीब हूँ, मुझे पैसे मिलते हैं सब करने के लिए, टू बी विद दिस पीपल, टू क्रिएट समथिंग, टू बी इन दिस एनवायरनमेंट, इट्स ऑसम. गॉड मस्ट रियली लव मी. अच्छा, जब टीजर भी आया था ना, टीजर से लेके अब तक की बात करें ना करण, तो देख के भी, जब ऐसी मूवीज देखते हैं ना तो देख के भी ना बहुत प्राउड फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है देख के भी। तो आप लोगों ने तो वो मतलब एक्चुअल में फील किया है, वो यूनिफॉर्म पहनी है। तो जब आपने वो यूनिफॉर्म पहनी थी तब मतलब आपकी फर्स्ट फीलिंग क्या थी? क्योंकि हमेशा जब किसी स्टार से बात करते हैं ना, जो ऐसे यूनिफॉर्म पहनने वाले, तो हमेशा कहते हैं कि एक डिफरेंट फीलिंग थी। तो वो कैसे फीलिंग थी? डिफरेंट मतलब बहुत मगर स्मॉल वर्ड है उसके लिए. पहले तो आई डोंट थिंक कि मैं कोई एक इंसान हूँ जो एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए पर्सन डिजर्व करता है एयरफोर्स यूनिफॉर्म पहनना. उस यूनिफॉर्म को पहनने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है लोगों को, इतनी मेहनत जो हम लोग मतलब सोचेंगे भी नहीं तो तब भी नहीं होगा. मतलब इट्स दैट मच. एंड इतना सारा उन काफी अपने ऊपर टॉर्चर करते हैं आपको सब ऑफिसर. सो टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको ये मौका मिल रहा है बहुत बड़ा ऑनर था कि मैंने मतलब अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा कि मुझे अभी इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहनने को मिल रही है एंड आई एम सपोज टू वेयर इट. आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड. और यूनिफॉर्म के साथ बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं टू अंडरस्टैंड कि ये फर्स्टली तो एयरफोर्स की यूनिफॉर्म है, सेकेंडली एयरफोर्स ऑफिसर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं. मतलब एक इंसान जो
ये लोग ऐसे ही पैदा होते हैं, मतलब आई डोंट थिंक इट चेंज हो सकता है, और ये सिखाया भी नहीं जा सकता, और ये आप पढ़ के भी नहीं सीख सकते हैं, और ये मतलब एक वो डिग्री नहीं है, और एक एक एडजेक्टिव नहीं है जो आपके साथ लगता है, ये आपके अंदर से आता है, एक ऐसा दिल जो किसी भी सेकंड अपनी लाइफ अपने कंट्री के लिए देने के लिए रेडी है। मतलब बिल्कुल हम लोग अपनी लाइफ अपनी जीने के लिए जीते हैं, मतलब यही है हमारा मुद्दा जीना, इनका पहले ही ये होता है कि हमारी प्रायोरिटी मतलब देश है। उनके लिए हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है जीना, वो उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी कंट्री है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो लोग हैं ये पैदा होते हैं सर, इनको ये नहीं बना सकते, इनको कोई किताबों से नहीं बनते हैं, ये कोई ट्रेनिंग से नहीं बनते हैं। ऐसा आप ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं पैदा और आपको बना दिया गया, ऐसा भी नहीं हो सकता, होता ही नहीं। तो टू अंडरस्टैंड दैट, वो अगर आप जितना कभी अंडरस्टैंड कर पाए पूरी जिंदगी में, हमने तो जो भी है प्ले कर रहे हैं ऐसे रोल्स, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हमने अपनी तरफ से जितनी कोशिश की अंडरस्टैंड करने की हम लोग की, थैंकफुली हम लोग लकी इनफ थे कि हम लोग जब एयरफोर्स बेस पे शूट कर रहे थे तो हम लोग एयरफोर्स ऑफिसर्स के साथ रहे थे, उनके मतलब जहाँ पे उनके अकोमोडेशन एरिया में। हम लोग कोई भी होटल में नहीं रहा था, नॉर्मली सब एक्टर्स 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रहते हैं, हम में से कोई भी होटल में नहीं रहा था, हम सब एयरफोर्स ऑफिसर्स के साथ रहे थे। जब वो उठते थे हम लोग उठते थे, जब वो सोने जाते थे हम लोग सोने जाते थे, तो हमारा कॉल टाइम भी होता था लाइक 3:45 AM इन द मॉर्निंग, ये उनके फर्स्ट डे का कॉल टाइम अकॉर्डिंग, सारा टोटली उनके सब अकॉर्डिंग। कुछ। बिकॉज मतलब आप अगर अपने आप को भी आप कहने चाहते हैं कि आप एयरफोर्स ऑफिसर प्ले कर रहे हैं, तो थोड़ा मतलब बिल्कुल थोड़ा टाइम के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि ऐसे मतलब अपने आप को जिसे आईने में देखो कैसे हाँ, वो लाइफ जी प्रॉपर ना। मतलब वो लाइफ तो मतलब कुछ मतलब जो हमने किया वो तो कुछ भी नहीं है, बट थैंकफुली हम उनके साथ रहे, उनके आसपास। मैंने काफी क्वेश्चन, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आई थिंक कोई ना कोई तो इरिटेट हो गया होगा, बट एक क्वेश्चन था, मैंने उनको पूछा कि जब कभी यूर अंडर अ सिचुएशन वेयर यूर गोइंग टू फाइट, तो हाउ डू यू व्हाट डू यू टेल योर फैमिली। ही सेड वो देखो अब हमें और हमारी फैमिली को, क्योंकि हम यहाँ हैं, हम जो हैं वो हैं, उसकी वजह से ये सबको पहले से ही पता है कि ये कभी भी हो सकता है। तो हम लोग जब घर छोड़ के जाते हैं तो हम बोलते हैं कि आई माइट नॉट सी यू टुडे, अगर इफ आई सी यू आई सी यू, इफ आई डोंट। तो जिनकी जो फैमिली होती है वो भी मतलब वो भी किस लेवल की है, मतलब हमारी तो फैमिली हमको जाने नहीं देखें। यस, बहुत 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 बड़ा, वो बोलते हैं ना कि जिगरा, दिल, सब कुछ बहुत तो बड़ा मतलब है। बिल्कुल सोचो द द वाइफ्स और द द हस्बैंड जिनको बोलना पड़ता है कि ओके ठीक है गो फॉर इट, एंड मतलब आई होप यू, मतलब ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, मतलब सोचना ही बहुत, मतलब हमारी तो सोच में ही निकल जाती है इतना, तो वो लोग तो ये लाइफ जीने के लिए तो जब जब आप ये कर रहे थे शूट, आपने तो प्रॉपर थोड़ा टाइम तो उनकी वाली जिंदगी उनके अकॉर्डिंग ही हुए थे। कुछ ऐसा हुआ था उनकी मतलब वाली जिंदगी नहीं बोल सकते उसको, ना, लोग उनके बोलते मारेंगे, साथ है, उनके साथ मतलब है, उनके इस उनके टाइम पे साथ उठना है। सोना उनकी जिंदगी नहीं है, रूटीन बट उनका, रूटीन हाँ उनका जी फॉलो किया कि उनके अकॉर्डिंग सुबह जी उठे उनके अकॉर्डिंग, ताकि जी आप उस किरदार को अच्छे से। तो जी कितना टाइम लगा था आपको इस प्रेप के लिए, अपने किरदार के लिए, सरताज गिरने के लिए? बहुत वक्त लगा था मुझे एक्चुअली, क्योंकि जब से मुझे पता चला था ये फिल्म के बारे में तब से मेरा पूरा वर्कआउट रूटीन तो चेंज हो गया था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं एक ऐसे फ्रेम में दिखूं जो मेरे हिसाब से जो विजुअल परसेप्शन है एक एफओस पायलट का उसमें मैं फिट हूँ। तो उसके लिए काफी कुछ मुझे चेंज करना पड़ता, अपने बॉडी को लेके भी काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने थे, तो वो टाइम लगा, काफी टाइम लगा इसमें। और उसके अलावा ताज एज अ कैरेक्टर एज अ पर्सन बहुत फुल ऑफ जॉय है, वो चाहता है कि हमेशा कुछ ना कुछ करे जिससे लोग हंसे, क्योंकि उसे लगता है कि आसपास सब लाइट रहेगा तो इट्स इजियर टू राइज, मतलब जितना हल्के होंगे उतना जल्दी आप मतलब राइज करेंगे लाइफ में। तो टू अंडरस्टैंड दैट, एंड कोई बैगेज नहीं है उसका, मतलब जैसा है व्हाट इज व्हाट ही गेट, एंड ही इज बॉर्न विद अ हार्ट दैट
इज विलिंग टू गिव हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री एट एनी सेकेंड, मतलब हिज लाइफ हाँ डज नॉट बिलोंग टू हिम एंड ही इज ऑल्सो मैरिड द लव ऑफ हिज लाइफ. तो ये सब पोर्ट्रे करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने बहुत मुश्किल टास्क किया, बट इसमें मेरे लिए और मैंने आज तक जो किया है उससे बहुत ही कम्प्लीटली डिफरेंट था. मैंने आज तक जो कैरेक्टर्स प्ले किए हैं उसमें अपने ऊपर कुछ ऐड किया है चीजें, इसमें फिर सब कुछ निकाल देना पड़ा. टू कम्प्लीटली शेड ऑफ एवरीथिंग, टू कम्प्लीटली स्ट्रिप ऑफ एवरीथिंग एंड टू स्टार्ट, लाइक इट वाज लाइक अ रीबर्थ. अच्छा, ताज के रोल में आपको सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट किससे मिला? क्योंकि नहीं बहुत सारे मिले होंगे कॉम्प्लीमेंट, सबसे अच्छा। मैं अभी बाहर कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा है, और कोई भी कॉम्प्लीमेंट अच्छा है, और हम मतलब करते क्यों है ये अगर कॉम्प्लीमेंट ना मिले तो. मतलब इन द सेंस कोई भी किसी के लिए भी कोई जरूरी नहीं है किसी को आके बोलना कुछ, उनकी कोई नीड नहीं है. वो आपको अगर कुछ बोल रहे हैं और कुछ अच्छे वर्ड्स बोल रहे हैं आपकी तरफ तो मतलब थैंक्स थैंक्स टू देम एंड थैंक गॉड. बट जो जितने भी लोग हमारे साथ जिसने देखी थी फिल्म, वो लोग और मैंने काफी दूसरे लोगों से भी सुना, वो इंटरवल में जब रो रहे थे मेरे कैरेक्टर के लिए, असली आंसू, असली लोग असली काम पे जाते हैं, असली असली लाइफ जीते हैं, असली आंसू बहाते हैं मेरे कैरेक्टर के लिए, मतलब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया रोते रहे, बट ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ. बट वो ये एवरी टीयर ड्रॉप जो था ना, उनका खुद का जो उनकी फीलिंग आई थी मेरे कैरेक्टर को देख के, मतलब ये इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ है. बिल्कुल, इससे मतलब नथिंग हायर मैन किरदार को टू, कोई अपना ही ले। यस, मतलब अच्छा। अंदर से फील हो जाए किसी को, तो मतलब और क्या चाहिए, दैट्स हाईएस्ट. अच्छा करण, एक क्वेश्चन ना, थोड़ा हमेशा जब भी आपसे सुनते हैं ना, तो आप आपकी बहुत प्यारी गुड़िया है, बेटी है देवी, वो भी एक जी रियल लाइफ फाइटर है ना। आप जी हमेशा कहते हैं बहुत प्यारी है, गॉड ब्लेस, बहुत सारा उसके लिए प्यार। वो भी एक जी रियल लाइफ फाइटर है, मतलब बहुत सारे आम लोग है ना उससे भी इंस्पायर होते, छोटे से बच्चे, उसके बारे में भी बताइए कैसे वो भी एक, आप भी उसके साथ ही उभरे हो उस चीज से जिससे वो उभरी। नहीं, मैं उस चीज से नहीं गुजरा हूँ जो उससे वो गुजरी है. वो उभरे हो, बहुत साथ में उभरे, उस चीज से निकले हो बाहर। वो बहुत ऐसे, वो बोलते हैं ना ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड रॉक स्टार है वो. उसको ना कुछ भी, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पता था उसको क्या हो रहा है. उसको लाइफ में क्या करना था, हंसना है उसको, और उसको मजाक उड़ाना चीजों का ऐसे ऐसे हाँ 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 करके, और उसको सब कुछ देख के ऐसे कर रहे हैं वाओ ब्यूटीफुल, ये कितनी अच्छी चीज है. मतलब उसके साथ हमें भी मौका मिल रहा है सब कुछ फर्स्ट टाइम देखने का है नो, एज पेरेंट्स थैंकफुली. तो वो कुछ भी देखती है, हर चीज के लिए बहुत वॉन्डरस है, मतलब हर चीज में इतना कुछ फैशन है उसके लिए. मतलब हम लोग हर रोज अपनी जिंदगी जीते जीते हम लोग भूल जाते हैं आसपास की चीजें, और पंखा कैसे चल रहा है और ये क्या हो रहा है वो क्या हो, और पेड़ पौधे उग रहे हैं अपने आप उग रहे हैं, हम लोगों को कुछ फर्क नहीं है 10 रुपए कमाने हैं खाना खाने के लिए. बट ये छोटी सी लाइक लिटिल गॉड फॉर अस ओनली. तो ये मतलब पंखे को भी देखेगी ऊपर गोल गोल घूमे तो वो देखती रहेगी उसको, और उसकी आईज में ऐसा होता है कि वाह ये कितनी खूबसूरत चीज बनाई है भगवान ने, कि ये ऐसा गोल गोल घूम रही है, इसकी वजह से हवा आ रही है, वाह. तो मैं सोचता हूँ ये हम बहुत पहले छोड़ दिया हम सबने, बट ये ना उसका बिफोर और आफ्टर सोच रही, ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ, जैसी वैसी है. मतलब हमें आईसीयू में भी जो डॉक्टर्स और नर्सेस बोलते थे ये बहुत ब्रेव है, बहुत स्ट्रांग है, एक बार सच भी में, नहीं, सच में। एक बार भी रोई नहीं है, और वो हमेशा स्माइल करती रहती है, और बच्चे नॉर्मली ज्यादा स्माइल नहीं करते हैं, बहुत। तो हमेशा स्माइल करते थे. वो एक ही बार रोई थी जब वो आईसीयू में थी, और सो स्ट्रेंज एंड सो फनी एंड सो लाइक टचिंग. उस वक्त बिपाशा रो रही थी, मतलब वो पूरा टाइम बहुत स्ट्रांग रही थी,
एक मोमेंट था जिस पे वो शिकुन कंट्रोल, मुझे याद है मैं हॉस्पिटल की बैल्कनी में जाके स्किपिंग कर रहा था, और क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और फिर उसकी रोने की आवाज़ सुनाई थी और मैं भाग के अंदर, और वो इतना रोई थी लाइक फॉर 1 आवर नॉन स्टॉप वो रोती थी, और रोई थी उस दिन। और हॉस्पिटल में हमेशा ना वो बोलती थी कि हर 2 या 1.5 घंटे में बोलती थी वो बुला रही है देवी, और हम वी वर लकी इनफ कि हम लोग आईसीयू में कभी भी जा सकते थे, तो उस टाइम पे वो उठ जाती थी और उसको पता था कि वो बुला रही है, और वो पता चला हमें बाद में कि देवी भी उसी टाइम पे वो 1 घंटा रो रही थी। तो अब वो भी बिल्कुल ठीक है, प्यारी सी गुड़िया जी के पेरेंट्स भी बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करते हैं ऐसे और ही वो भी बहुत आगे जाए और आप भी बहुत आगे जाए। बहुत आपको जब आप से देख थैंक यू सो मच, आपको जब से देखते हैं डॉक्टर अरमान मलिक से अब तक आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर किरदार में आप बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। थैंक यू सो मच अरमान, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।